प्रदेश में बहुत जल्द 300 डॉक्टरों को भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह बात जिला चंबा के प्रवास के दौरान डलहौजी पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कांग्रेस की संघर्ष यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष कर रही है। प्रदेश में लंबे समय तक रही कांग्रेस सरकार दिशाविहीन व नीतिविहीन कार्य करती रही, जिस कारण प्रदेश उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका जहां तक पहुंचा जा सकता था, जिस कारण प्रदेश को आज भी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चंबा का दौरा बहुत अच्छा रहा है। पिछले दो दिन से मैं चंबा जिले में हूँ। मिंजर मेले का समापन और मिंजर मेले के समापन के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के जो 75 वर्ष हमारे गठन के पूरे हुए हैं उस पर हमने कार्यक्रम की शुरुआत की और उस कार्यक्रम में हमने ये तय किया कि हिमाचल के इतिहास पर, हिमाचल की प्रगति पर लोग जाने और 75 वर्ष के सफ़र में हम कहां से कहां पहुंचे और हिमाचल प्रदेश की जनता को उसका श्रेय दिया जाए जिनके अथक परिश्रम के बाद हिमाचल प्रदेश आज एक अलग पहचान के साथ पूरे देश के मानचित्र पर खड़ा है। दूसरी बात, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पिछले कल मिंजर का मेला था और मिंजर के मेले के समापन के अवसर पर जब हम वहां पर थे, मन की बात कार्यक्रम हम जब सुन रहे थे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश के लिए एक जिक्र किया जिसमें मिंजर के मेले का जिक्र हुआ, जिसमें मिंजर के मेले के साथ साथ में यहाँ चंबा की संस्कृति का जिक्र किया, मिंजर मेले का इतिहास उसका जिक्र किया और हिमाचल के और अलग अलग, चाहे वो शहर की बात कहें चाहे जागरा की बात कहें, तो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण जो हमारी कल्चरल एक ये है हिमाचल प्रदेश की एक विरासत, जिस विरासत का उन्हें सम्मान करते हुए उसका पूरे देश के सामने जिक्र किया, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, कांग्रेस ने शुरुआत की है, वो अपने जो है सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिस कांग्रेस का कुछ पूरे देश में बचा ही नहीं, वो ऐसी स्थिति में हो गई है कि अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी उसकी कोशिश यही है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है और लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद हिमाचल जहां पहुंच सकता था वहां पहुंचने में अगर सबसे बड़ी बाधा रही है तो उसमें वो लंबा समय कांग्रेस का, जिसमें विजन नहीं था, जिसमें काम करने के आगे वो एक दिशा नहीं थी, एक जज्बा जनून नहीं था, उसकी वजह से आज हिमाचल प्रदेश में अभी भी हमको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद हिमाचल में भी पार्टी काफी सक्रिय है, इस समय आप किसको चुनौती मानते हैं, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? देखिए, मैं तीसरी पार्टी के बारे में इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि तीसरी पार्टी को हिमाचल ने आज तक स्वीकार किया है। हमारी पार्टी कोशिश कर रही है लेकिन इतना सरल नहीं है, उनके साथ ही पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से स्वाभाविक रूप से मुकाबला तो दो पार्टियों के बीच में है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोकतंत्र है, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, चुनाव लड़े और पंजाब में सारा परिदृश्य लोगों के सामने आ गया है। 4 महीने की सरकार में सारी चीज़ें किस प्रकार से सामने आई हैं, उन बातों का जिक्र करने की आवश्यकता है। सर, जो धारा 118 में जो नॉन हिमाचलियों की लीज की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है अभी तक, सर उसके बारे में जो लीज बंद है? देखिए, उसमें कुछ चीज़ों को लेकर के टेक्निकल इश्यूज हैं, उन सारी बातों को लेकर के अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, विचार के विषय है। कर्मचारियों की लंबे समय से सर ओपीएस बहाली को लेकर जो मांग चल रही है, कर्मचारियों को अपनी मांग करने का अधिकार है और वो अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता कि जब कर्मचारी मांग करते हैं सारी सरकारों में उनकी सारी मांगे पूरी हो जाती हैं, ऐसा तो होता नहीं है, कुछ होती हैं कुछ नहीं हो पाती हैं, अपना पक्ष वो रख रहे हैं,
और ऐसे में जो परिस्थितियां प्रदेश की हैं उन परिस्थितियों में उसको स्वीकार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इस पर अभी कहना कठिन है, सरल नहीं है। और जिन प्रदेशों में कांग्रेस ने घोषणा की है वो उनके हालात पूछे कि वो कितने संकट में है। अभी हमारी जोनल काउंसिल की मीटिंग जयपुर में थी, राजस्थान सरकार वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार जो सबसे कांग्रेस के सबसे वरिष्ठतम नेता है गहलोत जी वहां पर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष इसी बात को लेकर के कहते रहे कि भाई हम तो करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं, केंद्र मदद करे। तो इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के जल्दबाजी में उन्होंने कह तो दिया है लेकिन उसे करना इतना सरल नहीं है, इस बात को मानना पड़ेगा। और आज जो कांग्रेस के लोग इस बात की बार बार घोषणा कर रहे हैं कि आते ही हम करेंगे, हम आते ही करेंगे, हम आते ही करेंगे, ये ओपीएस उनका ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। 2003 में जब एमओयू साइन हुआ है उस वक्त हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी, हिमाचल पहला राज्य है पूरे देश भर में जब सबसे ओपीएस को जो है समाप्त करके एनपीएस को लागू किया गया है। इसका पहले तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस से इस बात को पूछना चाहिए कि सबसे बड़े नेता जिनके नाम पर वो वोट मांग रहे हैं आज इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन अपने पास उनके पास उनकी क्षमता नहीं, योग्यता नहीं उनमें, कांग्रेस के नेताओं में आज भी वोट मांगने की बात उनके ही नाम पर कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं उस पर भी, लेकिन उनके वरिष्ठ नेता जिनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जिनके नाम पर सारी चीजों को लेकर के वो फोकस कर रहे हैं, आने वाले समय में उनके नाम पर वोट पड़े, उस नेतृत्व ने निर्णय किया था कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को समाप्त किया जाए, एनपीएस को लागू किया जाए। इस पर कांग्रेस का क्या कहना है आप जरा पूछिए उनसे। सर, एक जो लास्ट कैबिनेट में आपने 300 डॉक्टर्स इंटरव्यू के बोले थे, तो उनके इंटरव्यू की नोटिफिकेशन कब तक आएगी? जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी हो। सर, इस बार मॉनसून काफ़ी कहर ढा रहा है हिमाचल प्रदेश में, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश 12% जो ज़्यादा हो रही है, तो उसमें गवर्नमेंट के क्या वो क्या उसमें, जैसे कल भी कुल्लू में भी काफ़ी त्रासदी हुई, मंडी में भी हुई, तो गवर्नमेंट देखिए बरसात का मौसम हमारे लिए पहाड़ वाले प्रदेशों के लिए कठिन होता है, मुश्किल होता है। और मुझे लंबे समय से इस बात को हम देख रहे हैं कि जब बरसात का मौसम आता है तो हमारी बेचैनी बढ़ती है क्योंकि घटनाएं एक नहीं अनेक घटित होती हैं, और ऐसे में सावधान होने की आवश्यकता, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे अलर्ट पर रखा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहा है। हमने तय किया है कि सड़कें अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए, अवरुद्ध होती है तो उनको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करना, टूरिस्ट जो हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं जो ऐसे स्थानों पर ना जाए जहां पर कोई घटना दुर्घटना घटित हो। और आज भी मुझे इस बात का बहुत दुख है कि ऊना जिले के अंतर्गत एक घटना घटित हुई है जो विचलित करने वाली है, मैं बहुत आहत हूँ उस घटना से, और वहाँ जिस प्रकार की सारी चीज़ों को लेकर के बच्चे छोटे थे उम्र में, उनको कल्पना नहीं थी सारी चीज़ को लेकर के, और पानी एक ऐसी चीज़ होती है जो थोड़ा आकर्षित करता है, सबको आकर्षित करता है अपनी दोस्त, तो ऐसे में मेरा जितने भी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में उनसे विनम्र निवेदन है, आइए सुरक्षित स्थानों पर रहिए, सुरक्षित स्थानों पर जाइए घूमिए, लेकिन नदी के करीब मत जाइए, जहाँ पहाड़ खिसकते हैं, जहाँ पहाड़ से भूस्खलन होता है, तो उन स्थानों का आप इस वक्त जो है थोड़ा जाने में परहेज करें, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। सर, उपचुनावों में भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ था, अब आने वाले समय में आप किन मुद्दों को लेकर लोगों में उतरेंगे? उपचुनाव का दौर वो हो गया पूरा, लेकिन अब ऐसा हमेशा वैसे माहौल थोड़ी, अब जनरल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन में मुद्दे अलग होंगे, माहौल अलग तरह का होगा, और पूरा हमारा प्रदेश और केंद्र का नेतृत्व तो एकजुट होकर के इस चुनाव में जब लगेगा आप देखेंगे। हमने कहा है कि सरकार ने ही रिवाज बदलेगा, रिवाज बदलेंगे इस बार, और हिमाचल प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और पूरा हमारा प्रदेश और केंद्र का नेतृत्व तो एकजुट होकर के इस चुनाव में जब लगेगा आप देखेंगे। हमने कहा है कि सरकार ने ही रिवाज बदलेगा, रिवाज बदलेंगे इस बार, और हिमाचल प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विपक्ष कह रहा है कि सीबीआई और ईडी का आप मिसयूज कर रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूं कि अगर गलत नहीं किया है तो उनको चिंता होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जब गलत किया है तो ये एजेंसीज है, ये इन्वेस्टिगेशन की एजेंसीज है, तो इन्हें अपना काम करना है, कानून के मुताबिक करना है। सर, हिमाचल प्रदेश में कोविड के केसेस कुछ बढ़ रहे हैं डे बाई डे, उसमें भी गवर्नमेंट कुछ निश्चित रूप से ये हमारे चिंता का विषय है, और खासतौर से हम देख रहे हैं, हमने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मीटिंग भी की हाई लेवल पर, और उसमें डेप्टी कमिश्नर एस की सब जोड़े होते, और
ये चिंता का विषय है और हम 3 तारीख को फिर से कैबिनेट करने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा दोबारा रिव्यू करेंगे। अगर कोविड के मामले तेजी से बढ़ते गए तो स्वाभाविक रूप से आने वाले समय हो सकता है हमको कुछ रिस्ट्रिक्शन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका फैसला के लिए डलहौजी से अश्विनी साहिल की रिपोर्ट।